मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में होंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने शनिवार शाम 4 बजे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। पहले चरण का मतदान 6 जनवरी 2022 को होगा, दूसरे चरण का मतदान 28 जनवरी और तीसरे चरण का चुनाव 16 फरवरी को होगा। इसके बाद से आचार संहिता लागू कर दी गई है। ये आचार संहिता ग्राम पंचायतों में ही लागू रहेगी। बता दें 9 जिलों में एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इनमें इंदौर, भोपाल, ग्वालियर शामिल हैं। 7 जिले ऐसे हैं जहां 2 चरणों में चुनाव होंगे। बाकी के 36 जिलों में सभी 3 चरणों में मतदान कराया जाएगा। मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। बता दें 7 जिलों में 2 चरण में मतदान होगा। ऑनलाइन नॉमिनेशन भी कर सकते हैं प्रत्याशी और सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान किया जाएगा। पंच सरपंच का चुनाव मत पत्र से होगा, तो वहीं जनपद और जिला पंचायत के लिए ईवीएम से चुनाव होगा। 3 करोड़ से ज्यादा मतदान पंचायत चुनाव में हिस्सा लेंगे, तो वहीं 55,000 ईवीएम का इस्तेमाल भी किया जाएगा इन चुनावों में। इस समय बीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है। सर सर, 3 चरणों में सर चुनाव होंगे, तारीखों की बात करें कौन कौन सी तारीख है? तारीखें बताएं तो अभी तो बताएं। जो मतदान होगा पहले राउंड का 6 जनवरी को, दूसरे राउंड का 28 जनवरी को और तीसरे राउंड का 16 फरवरी को। सर दर्शकों को थोड़ा सरल भाषा में कि जो पंच सरपंच का चुनाव होगा वो बैलेट पेपर से ही होगा? जी, पंच सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से होगा और जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव ईवीएम से होगा। कोविड को पूरी स्थिति स्पष्ट करना चाहेंगे कि किस तरह से क्या निर्देश रहेंगे? कोविड में जो लेटेस्ट जानकारी हमारे पास कल तक की है उसमें पूरे प्रदेश में 128 केसेस हैं और इनके भी 90% केसेस भोपाल और इंदौर में ही हैं। अन्य जिलों में ज़्यादा केसेस नहीं हैं और बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहां पर एक भी केस नहीं है। इन केसेस पर भी दृष्टि है और कोविड की परिस्थितियों पर भी दृष्टि है। हम स्टेट गवर्नमेंट से डेली रिपोर्ट लेते हैं कितने लाइव केसेस हैं और कितने टीकाकरण हो गए, तो 8,80,00,000 टीकाकरण फर्स्ट और सेकेंड डोज मिला के स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किए जा चुके हैं, जो बहुत बड़ी संख्या है। अगर हमारी 7-7.5 करोड़ पॉपुलेशन है तो कम से कम एक टीकाकरण तो अधिकांश पॉपुलेशन को हो गया है। अगर हम उन लोगों को रूल आउट कर दें जिनके लिए टीकाकरण नहीं होना है, छोटे बच्चे जैसे, तो मेजर पॉपुलेशन तक टीकाकरण का कम से कम एक डोज पहुंच गया है। सर एक सवाल और, बस कोर्ट कांग्रेस पहुंची है, क्या इससे इलेक्शन इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? कोर्ट जनरली इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने के बाद कोर्ट इंटरफेयर नहीं करती हैं, जनरली अभी तक का अनुभव यही रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और देखिए, ये थे राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह साहब, जिन्होंने पंचायत चुनाव को तारीख का ऐलान किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने कोर्ट जाने पर कहा है यदि कोर्ट से कोई दिशा निर्देश आएगा तो उसका पालन किया जाएगा। कैमरामैन नवनीत सैनी के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज 24 भोपाल।